प्यार भरे स्वागत के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद जो महाराष्ट्र से हमारे साथ आए हैं और अब महाराष्ट्र में आप वापस जाओगे। आप सही बोल रहे हो, आपको हमने ए प्लस ग्रेड दिया था क्योंकि महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा बहुत अच्छी तरह इन्होंने ऑर्गेनाइज की और उसका बहुत अच्छा मैसेज महाराष्ट्र में और पूरे देश में गया। ये यात्रा हमने कन्याकुमारी में शुरू की थी और जब हमने शुरू की तो विपक्ष के लोगों ने कहा था कि हिंदुस्तान 3600 किलोमीटर लंबा है और ये पैदल किया नहीं जा सकता। और अब हम मध्य प्रदेश में आए हैं, 370 किलोमीटर यहां चलेंगे और ये यात्रा, ये जो हमारा तिरंगा है इसको श्रीनगर में लहराएगा और उसको कोई नहीं रोक सकता। ये तिरंगा जाएगा, श्रीनगर जाएगा और वहां पे इस तिरंगे को हम लहराएंगे। यात्रा के पीछे दो तीन लक्ष्य, सबसे पहला जो नफरत हिंसा और डर हिंदुस्तान में फैलाया जा रहा है उसके खिलाफ ये यात्रा है। देखिए तरीका क्या है बीजेपी का, सबसे पहले डर फैलाओ। किनके दिल में डर? युवाओं के दिल में। कैसे? बेरोजगारी दिलवाकर। जो हमारे उत्पादक हैं, जो किसान हैं, उनके दिल में डर। कैसे? सही दाम ना देकर, बीमा का पैसा ना देकर, कर्जा माफ ना करकर। मजदूरों के दिल में डर कैसे? मनरेगा को ना चलाकर। तो ये पहले डर फैलाते हैं और फिर जब डर अच्छी तरह फैल जाता है फिर उसको वो हिंसा में बदल देते हैं। देखिए हिंसा कुछ कोई चीज नहीं होती, हिंसा डर का एक रूप है। जो डरता नहीं है वो हिंसा भी नहीं कर सकता है, जो डरता है वही हिंसा करता है। तो पहला लक्ष्य हिंदुस्तान के जो उत्पादक हैं, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं और जो युवा हैं, माताएं बहनें हैं, उनके दिल से डर मिटाना। मतलब डरो मत, किसी से मत डरो, ये हिंदुस्तान है। इस हिंदुस्तान में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां भी हम चल रहे हैं युवाओं से मिल रहे हैं, नाम क्या है तुम्हारा? हाँ रुद्रा, रुद्रा भाई होके तुम क्या करना चाहते हो? रुद्रा देखो क्या एज है तुम्हारी, क्या उम्र है? हाँ देखो रुद्रा 5 साल का है। इधर आओ भैया, दिखाओ अपना चेहरा इनको, यहां ऊपर आओ, ऊपर आओ। ये रुद्रा जो है, थोड़ा थोड़ा ऐसे करो, थोड़ा थोड़ा ऐसे करो, अरे दम से करो ना, दम से करो। चलो मध्य प्रदेश के युवा हो, दम से करो, शाबाश। ये जो बच्चा है 5 साल का है, ये जानता है कि ये डॉक्टर बनना चाहता है, ये कोई छोटी बात नहीं। इसने अपना सपना बना दिया है, अब ये उसके लिए काम करेगा। स्कूल जाओगे, पढ़ोगे, डॉक्टर बनने की कोशिश करोगे और इनका सपना है कि एक दिन ये डॉक्टर बने। मगर आज के हिंदुस्तान में रुद्रा का सपना पूरा नहीं हो सकता। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, 70
दिनों से मैं चल रहा हूं। हर प्रदेश में मैं रुद्रा जैसे युवाओं से मिला हूं, 5 साल के, 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है। सारे के सारे शिक्षा के इंस्टीट्यूट प्राइवेटाइज हो गए। तो अगर आपको अगर रुद्रा को बनना है, डॉक्टर बनना है, तो लाखों रुपए पहले जेब से, माता पिता की जेब से निकलने होंगे, करोड़ों। और उसके बाद रुद्रा को पता लगेगा कि माता पिता के खून पसीने ने उसकी शिक्षा, उसको शिक्षा दिलवाई, मगर जब डॉक्टर बनने का टाइम आया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा और उसको मजदूरी करनी पड़ेगी। ये है आज का हिंदुस्तान। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते।